दो दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए गुजरात कैडर के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी ने विधान परिषद कटकर थमा दिया है। अरविंद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर जल्द नामांकन भरने वाले हैं। माना जा रहा है कि उन्हें राज्य का मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि खुद पूर्व आईएएस अधिकारी शर्मा ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वे पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। अरविंद शर्मा पीएम मोदी के नजदीकियों के कारण भी कुछ सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि वे मंत्री बनेंगे या नहीं इसे लेकर बीजेपी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है।